नेमिंग हेलोएरिन्स और एराइल हैलाइड्स। इनकी नेमिंग जब भी हम करते हैं हेलोएरिन्स की, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स की नॉलेज होनी चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे कि हम जानते हैं C6H6 ये बेंजीन मॉलिक्यूल है। इसका जो ये हम इस तरह से भी इसको रिंग स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी हम हेलोएरिन्स की नेमिंग करते हैं तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो। हेलो मीन्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पहले। तो इसका नाम तो हो गया हमारे पास एरीन, जनरल नेम इसका एरीन है, या फिर हम इसको बेंजीन बोलते हैं। जब भी हम एरीन का, एरीन मीन्स बेंजीन का, जब भी हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, हेलोजन्स के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रोमीन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हम बोलेंगे इसको हेलो एरीन मीन्स ब्रोमो बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसी के साथ अगर हम आयोडीन से रिप्लेस करते हैं आइडोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरीन से करते हैं तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमीन से करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन हो गया। और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन है, सपोज करो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम इसको बोलेंगे, अगर हमारे पास इस तरह से सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन्स की, तो इसको हम बोलेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके हम बोलेंगे 1, 2, इसको हम बोलेंगे 1.2 डाइक्लोरो बेंजीन। 1.2 डाइक्लोरो ये प्रीफिक्स हो गया, और बेंजीन इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, पेरेंट एटम जिसको हम बोलते हैं। या फिर जैसे सपोज करो हमारे पास ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे CH3 है, Cl है। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो उसका जो IUPAC नेम है वो भी हम ऐसे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। नंबरिंग हम 1 नंबर क्लोरीन को देंगे, 2 नंबर इसको, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, क्लोरीन पहले आता है। तो नाउ दिस कंपाउंड बिकम्स 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसको हम 2 क्लोरो टोलुइन भी बोलते हैं, और इसी कंपाउंड को हम ऑर्थो क्लोरो टोलुइन भी बोलते हैं। 2 क्लोरो टोलुइन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है CH3, ये साइड सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, जिसमें जिसका हम जनरली नाम देते हैं IUPAC नेम इसका टॉलिन बोलते हैं हम, जनरल तो नहीं पर IUPAC नेम इसका टॉलिन भी बोलते हैं, या इसको फिर मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो इसका नाम टॉलिन है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे हम ये देखिए आप साइड में, यहाँ पे हम इसको हम पेरेंट एटम मान के चलते हैं, तो ये टॉलिन है, तो इसलिए इसको हम ऑर्थो पोजीशन पे है या 2 पोजीशन पे ये लगा हुआ है, टॉलिन का 2 पोजीशन देंगे हम फिर, तो इसलिए हम ऑर्थो होता है 1-2 पोजीशन, तो ऑर्थो क्लोरोटॉलिन भी बोल सकते हैं, 2 क्लोरोटॉलिन भी बोल सकते हैं इसको हम। इसी तरह से अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो इन केस ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के हिसाब से सपोज करो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, तो हम नंबरिंग करेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से हो जाएगा ये 1, 3, 5 एंड देन डैश लगता है ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम जो एरोमेटिक है एराइल हैलाइड जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, उनका जो IUPAC नेम्स है वो दे सकते हैं।